हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मैं सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे होबर्ट अरिकेन्स वर्सेस सिडनी थंडर वुमेन के बीच में जो आपको वुमेन्स बिग बैश लीग का मैच नंबर 4 खेला जाता हुआ दिखेगा भाई, इसको कवर करेंगे। फिर से बता दूँ, HB वुमेन्स यानी कि ST वुमेन्स, होबर्ट अरिकेन वुमेन और सिडनी थंडर वुमेन के बीच में ये वुमेन्स बिग बैश लीग 2024 का मैच नंबर 4 खेला जाएगा। तो इस मैच के क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे दोस्तों, आज के मैच में कौन से 11 प्लेयर्स को हम लोग अपनी टीम में बैक करके चलेंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की आपके लिए सेफ ऑप्शन कौन से प्लेयर बनेंगे, और सेफ ऑप्शन के अलावा आप लोग अपनी टीम में आज के मैच में ट्रम्प कार्ड प्लेयर में कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको कर पाओगे, ये चीज भी मैं आपके साथ में इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। सभी प्लेयर के बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक एक प्लेयर के बारे में समझा दूंगा कौन आपके लिए सेफ रहेगा, कौन सा प्लेयर आप लोग अपनी टीम में एज ए नॉर्मल ट्रम्प में ले सकते हो, और कौन से प्लेयर को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पर ट्रम्प कार्ड में लेकर चल सकते हो। हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे, साथ साथ पिच के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि यहां का जो विकेट है, जिस विकेट पर यह मैच खेला जाएगा उस विकेट पर कितने भाई रन बन सकते हैं, फास्ट गेंदबाजी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पिन इंपॉर्टेंट हो सकती है, अब तक रिसेंट मैचेस में फास्ट बॉलर्स ने कितने विकेट निकाले, स्पिनर्स ने कितने विकेट निकाले, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर की जाएगी। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी, पूरा वीडियो देखोगे आपको किसी प्लेयर के बारे में कंफ्यूजन नहीं बचेगा भाई, इस चीज की मेरी पूरी गारंटी है, बस वीडियो पूरा देखिएगा ठीक है। होबर्ट अरिकेन वुमेन सिडनी थंडर वुमेन के बीच में दोस्तों ये मैच खेला जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करिएगा, आने वाले किसी भी मैचेस की वीडियोज आगे आपको मिस नहीं करनी है। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक में कंजूसी मत रखिए, बस वीडियो को दबा के लाइक कर देना, और आपके भाई बंधु जो भी फैंटेसी खेलते हैं ना उनके साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, अगर आप लोग अब तक हमारे टेलीग्राम के साथ में नहीं जुड़े हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस होने वाली है, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, सबसे ऊपर देखो आपको टॉप में एक पिंड कमेंट मिल जाएगा, वहां पर लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, और ये देखो हमारा ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है ठीक है। इसके अलावा किसी भी चैनल के साथ में ज्वाइन मत करना, क्योंकि एकमात्र अपना यही ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है, बाकी सारे आपको दिखेंगे ना वो फेक चैनल्स होंगे ठीक है। तो ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो लिंक है ना उसी से ज्वाइन करना। तो उसके बाद में कोई भी अपडेट होंगे, फाइनल टीम में कोई भी चेंज करेंगे लास्ट मोमेंट, या फिर जो भी फाइनल टीम रहेगी इस मैच की, या फिर भैया ट्रम्प कार्ड ऑप्शन ग्रैंड लीग के अंदर किस प्रकार रोटेशन करनी है, सारी अपडेट इसी टेलीग्राम चैनल पर टॉस के बाद आपको अपडेट करी जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों, सिंपली जाइए और सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर से कर लीजिए भाई। मैच की बात करेंगे, सीधा सीधा आ जाओ यहाँ पे, मैच एक बार फिर से बता दूं, होबर्ट अरिकेन वुमेन सिडनी थंडर वुमेन्स के बीच खेला जाएगा। पहले पिच रिपोर्ट पे चलते एक बारी और उसके बाद में फिर फाइनली आएंगे टीम सेक्शन पे। वेन्यू की बात करें, बेलीरेव ओवल होबर्ट के वेन्यू पे ये मैच खेला जाएगा। विकेट की बात करें, बैटिंग सर्फेस है। अब एक चीज ध्यान में रखिए, देखो ये वुमेन्स का मैच है भाई, ना कि मेन्स का मैच ठीक है। और एक चीज आपको पता होनी चाहिए वुमेन के मैच में, वुमेन के मैचेज ना थोड़े से रिस्की मैचेज होते हैं। रिस्की मैचेज क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो वुमेन का भाई कोई भरोसा नहीं है, बल्लेबाजी में बनाने को कोई टीम 170 बना दे और ना बने तो इनसे भाई 130 का भी स्कोर ना बने, तो वुमेन के मैच में सबसे बड़ी दिक्कत ये है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूं इस वेन्यू के अकॉर्डिंग, तो बैटिंग सरफेस विकेट तो है, अब दोनों टीम्स के जो बल्लेबाजी दिख रही है ना उस बेस पे अगर मैं बात करूं, तो मुझे ज्यादा बेहतर जो बल्लेबाजी दिखेगी वो दिखेगी होबर्ट अरिकेन वुमेन्स की टीम की। लेकिन देखो दो तीन प्लेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे सिडनी थंडर की टीम में, अगर वो प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस करके गई तो सिडनी थंडर मान के चलो बल्लेबाजी बेस पे भी इस मैच में कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती है। तो इस मैच का ओवरऑल मिला के बात करूं तो अब तक टोटल 36 मुकाबले खेले जा चुके हैं। फर्स्ट बैटिंग का विन परसेंटेज यहाँ पे 47% है, सेकंड बैटिंग का विन परसेंटेज यहाँ पे 53% है। मतलब विकेट के साइड से एक चीज कह सकते हो कि दोनों साइड सेम सपोर्ट रहेगा, कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी कर ले, कोई भी टीम सेकंड बल्लेबाजी कर ले, ज्यादा विकेट में चेंजेस नहीं होंगे, बस यहाँ पे बढ़िया खेलना पड़ेगा अगर किसी भी टीम को मैच को विन करना है। तो बस ये ध्यान रखिए ठीक है। एवरेज स्कोर मेरे अकॉर्डिंग में 140 के आसपास मान के चलूंगा, अगर कोई भी टीम 140 का स्कोर करती है तो वो यहाँ पे भाई मैच को विन करने के जो चांस है ना वो अपने लिए थोड़े से हाई जरूर कर लेगी ठीक है। अब बड़े स्कोर के हिसाब से अगर आप लोग टीम बनाने जाओगे और कम स्कोर बनेगा ना भाई, आपका टीम सिलेक्शन खराब हो जाएगा, वो मत करिएगा। अगर आप लोग 140 के हिसाब से भी टीम बना रहे हो, अगर कोई टीम 130 भी करती या फिर 150-155 तक भी जाएगी ना तो भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका 140 वाला टीम सिलेक्शन बढ़िया वर्क करके चला जाएगा ठीक है। विकेट की बात करें, स्पिन गेंदबाजों को फेवरेबल रहेगा यहाँ पे, लेकिन देखो फास्ट भी उतना ही वर्क कर सकती है, क्योंकि ये जो मैच है फॉरेन कंडीशंस यानी कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर खेले जाएंगे, और ऑस्ट्रेलियन विकेट पे क्या होता है कि भाई देखो स्पिन गेंदबाजों को ना विकेट की साइड से हेल्प नहीं होती। विकेट की साइड से हेल्प का मतलब मेरा ये है कि भाई गेंद शायद आपको यहाँ पे टर्न वगैरह होता हुआ बिल्कुल भी ना दिखे। अब ऐसा नहीं है कि भाई टर्न नहीं होगा तो स्पिन को विकेट नहीं मिल सकते, मिल सकते। अगर कोई प्लेयर उनके पीछे हार्ड हिटिंग करने जाएगी तो डेफिनेटली स्पिन को विकेट मिलेंगे, बट विकेट में टर्न जैसा आपको कुछ नहीं दिखेगा, बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। बाकी वुमेन के मैच में स्पिन वैसे भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि भाई फास्ट के मुकाबले स्पिन ज़्यादा विकेट निकालती है नॉर्मली वुमेन के
मैचेस में, तो स्पिन पे थोड़ा टारगेट करिए। मेन स्पिन गेंदबाज कौन से आप गए आपको मैं टीम सिलेक्शन के टाइम बता दूंगा, ठीक है। वेदर बढ़िया है, बारिश वगैरह का कोई चांस है नहीं। एवरेज स्कोर 140 वो मैंने आपको मेंशन कर दिया। विकेट्स की बात करें पिछले पांच, अगर मैं T20 की बात करूँ इस वेन्यू पे दोस्तों, तो टोटल 60 विकेट गिरे हैं जिसमें से 28 फास्ट ने और 32 यहाँ पे स्पिन ने, तो ऑलमोस्ट इक्वल है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, और यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। तो विकेट के बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाकी आपको चीज़ें ट्राई नहीं करनी है। जितना बताया, जितना एवरेज स्कोर बताया, उसी के हिसाब से टीम सिलेक्शन करके चलिएगा। अभी फाइनली लौटते भाई टीम सिलेक्शन पे। विकेट कीपिंग सेक्शन पहली ऑप्शन लीजिए ली, दूसरी टी विल्सन, और तीसरी तो भाई छोड़ ही दो, इनके तो खेलने के चांस मुझे नहीं दिखते। सबसे पहले ली की फॉर्म देखोगे तो भाई काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिली। अगर मैं बात करूँ अभी देखो, जो T20 स्प्रिंग खेला गया था ना, वहां पे देखो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स थी ना दोनों टीम्स में, वो वहां पे भी परफॉर्मेंस करके आई, और ऑलमोस्ट आप लोग उसको ये कह सकते हो वो मिनी WBBL था, ठीक है। मतलब सेम टीम्स थी, ठीक है। वहां पे भी होबार्ट हरिकेन्स की टीम थी, वहां पे भी सिडनी थंडर्स की टीम थी, तो ऑलमोस्ट मिनी WBBL आप लोग उसको कह सकते हो। तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो लीजिए ली के जो बल्ले हैं उससे भाई 6 मैच में 252 रन निकले थे, ठीक है। 6 मैच 252 रन, मतलब भाई आप लोग फॉर्म सोच सकते हो बंदी की किस लेवल पे, ऑलमोस्ट यहां पे 50 के आसपास इनका एवरेज था। और इनकी जो सबसे बड़ी पारिया वहां पे वो थी भाई एक तो 112 रन की, मतलब अभी रिसेंटली शतक लगा क्या ये T20 मैचेस में। एक मैच में वहां पे 63 करे थे, एक मैच में 32 करे थे, ठीक है। मतलब तीन मैच अच्छे करे थे 6 मैच में से, बाकी के मैचेस में भी रन ठीक ठाक आए थे, वैसा कोई दिक्कत है नहीं। तो करंट जो फॉर्म है लेजे ली की वो काफी बढ़िया है। एक चीज सजेस्ट करूंगा, ओपनिंग बल्लेबाजी आपको दे सकती है, और चाहो अपनी टीम में ट्रम्प कार्ड में कैप्टन वाइस कैप्टन इनको करके चल सकते हो। टी विल्सन की बात करेंगे, सिलेक्शन केवल 21% है, लेकिन टी विल्सन की जो फॉर्म रही थी ना दोस्तों अभी T20 स्प्रिंग में वो बढ़िया रही थी, ठीक है। चार मैच में इन्होंने भी भाई 163 रन करते, उतनी खराब फॉर्म नहीं थी, जिसमें से एक मैच में 81 रन की पारी थी, एक मैच में 54 रन की, ठीक है। चार मैच में से दो मैच टी विल्सन ने भी बढ़िया करा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई प्लेयर खराब है, मतलब आप लोग इनके साथ में एज ए ट्रंप प्लेयर अपनी टीम में जा सकते हो। अब हो सकता है टीम इनके साथ में ओपन करवा ले, या फिर भाई आपको मिडल में बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं। ज़्यादा सेफली जाओगे तो आपके पास में लीजे ली की ऑप्शन है, फिर हम लोग इन्हीं के साथ में चलेंगे। बैटिंग सेक्शन के अंदर आएंगे, नाइट देखो मेरे हिसाब से भाई वन डाउन या फिर सेकेंड डाउन बल्लेबाजी आपको करके दे सकती है, और पहले बल्लेबाजी अगर यहाँ पे सिडनी थंडर वुमेन्स की टीम कर रही है देन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएगी। और अब तक बात करें यहाँ पे किसके भाई हितर नाइट की, तो टोटल 85 यानी कि 85 WBBL के मैचेस खेल चुकी है, जिसमें 2083 रन इन्होंने कर रखे हैं, 29 के आसपास इनका एवरेज है, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, और आप लोग अपनी टीम में नॉर्मल प्लेयर पे रखो, मैं अभी इनको कैप्टन वाइस कैप्टन आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। डैनियल वॉइट की बात करें, ये हाई चांस आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगी होबार्ट हरिकेन वुमेन्स की टीम की साइड से। 13 मैच ये खेल चुकी हैं, 263 रन है WBBL में, 20 का इनका एवरेज है, और काफ़ी अच्छे प्लेयर है। इवन स्टार्ट बढ़िया दे सकती है होबार्ट हरिकेन वुमेन्स की टीम को, तो आप लोग इनको एज ए सेफ प्लेयर अपनी टीम में बैक करके चल सकते हो। फोब लिचफील्ड देखो, जब जब ये प्लेयर ओपन करती है ना भाई, ये प्लेयर हमेशा एक गेम चेंजर प्लेयर बन के जाती है, और फोबे लिचफील्ड पे स्टार मार लो। और मैं तो आपको ये भी प्रेफर करना चाहूंगा कि आप लोग अगर रिस्क उठा सकते हो ना, तो आप लोग लिचफील्ड को अपनी टीम में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की ट्रम्प कार्ड ऑप्शन में भी रख सकते हो। काफी बढ़िया प्लेयर, ओपनिंग करते हुए कुछ ज्यादा ही बेहतर ये फॉर्म दिखाती है। और अगर बात करूँ फोब लिचफील्ड की, तो WBBL के अंदर देखोगे 67 ये मैचेस खेल चुकी है, मतलब 67 मैच खेल चुकी है, 1212 रन इनके बल्ले से निकले, और इनका जो एवरेज है वो लगभग 24 के आसपास है। तो बढ़िया प्लेयर है, ट्रम्प कार्ड में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने के लिए भी आपको एक अच्छी विकल्प मिल जाएगी। एलिस उलानी ठीक ठाक प्लेयर है, बट शायद उतना तेज बल्लेबाजी ना कर पाए, और अभी जो T20 स्प्रिंग खेला था उसमें भी फॉर्म कुछ बढ़िया थी नहीं, क्योंकि 6 मैच में इन्होंने केवल 103 ही रन करे थे। जहाँ जो प्लेयर 4-4 मैच में 250 रन मार के गई थी, वहाँ पे विलानी ने सिर्फ 6 मैच में 103 रन करे थे, तो उतना बढ़िया फिलहाल फॉर्म इनकी देखने को नहीं मिली है। बाकी मैं अभी इनको सजेस्ट नहीं करके चला हूँ, फिलहाल छोड़ दो, उसके बाद में टूर्नामेंट के चांस मुझे थोड़े कम दिख रहे हैं। बट ओवरऑल बता दूँ, टूर्नामेंट शायद उतना इंपैक्टफुल प्लेयर भी ना बने, क्योंकि 28 मैच जरूर इन्होंने खेले WBBL में, केवल 384 रन है, ठीक है। तो उतनी कुछ इफेक्टिव प्लेयर मुझे नहीं लगती। नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेविले लेवर्ड के चांस मुझे नहीं दिख रहे हैं, और नीचे शायद इनमें से कोई भी प्लेयर आपको खेलते हुए ना दिखे। तो फिलहाल नाइट रहेगी, डैनियल वोइट रहेगी, और यहाँ पे फोब लिचफील्ड, ये तीन प्लेयर आपके लिए सेफ ऑप्शन है, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे पहले चमारी अट्टापट्टू हितर ग्राम जॉर्जिया वॉल के साथ में यहाँ पे कोलिन ट्रेन, टॉप के जो चार प्लेयर दिख रहे हैं ना भाई, चारों इंपॉर्टेंट है। अब ये चारों प्लेयर इंपॉर्टेंट इस वजह से, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन हाई है तो हम लोग टीम में बैक कर रहे हैं भाई, रीजन ये है वो चार प्लेयर है जो आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा कंट्रीब्यूट, यानी कि दोनों में अच्छे पॉइंट्स आपको करके दे सकती है। और मेरे हिसाब से ऐसे प्लेयर को अगर छोड़ेंगे तो भाई अपने से बड़ा बेवकूफ तो फिर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो अट्टापट्टू की बात करें, ओपनिंग बल्लेबाजी
बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी कर सकती है, ठीक है, पूरे चार ओवर डाल सकती है, विकेट टेकिंग गेंदबाज है। अब देखना ये पड़ेगा भाई कितने ओवर करेगी, क्योंकि शॉर्टी में नहीं दे सकता ये कितने ओवर डाल के जाएगी, बट मेरे हिसाब से पूरे चार करने चाहिए जिस प्रकार की ये प्लेयर है। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की सेफ ऑप्शन है, उसमें कोई डाउट है नहीं, रन बढ़िया मार सकती है। और चमारिया टपट्टू WBBL के अंदर देखोगे तो 51 मैच खेल चुकी है, 1063 रन इनके नाम है, एवरेज की बात करें तो 26 के आसपास है, बाकी विकेट इनके नाम 13 है। तो WBBL में गेंदबाजी थोड़ा सा कम ही कर सकती है, बस ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्राम की बात करें, बल्लेबाजी गेंदबाजी प्रॉपर बैकअप आपको मिलेगा, पूरे चार ओवर डाल के जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगी। अभी T20 स्प्रिंग इनका थोड़ा सा खराब ही गया था, क्योंकि एक ही मैच खेलने का मौका मिला था, उसमें 31 रन करे थे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मौके मिले नहीं थे। बाकी ओवरऑल अगर मैं इनके WBBL के आंकड़ों की बात करूं ना, तो 54 इन्होंने वुमेन्स बिग बैश लीग के मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें से देखोगे तो भाई 730 रन भी इनके नाम है, और एवरेज विकेट की बात करें तो 56 विकेट भी इनके नाम है। तो बढ़िया प्लेयर है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लायक आपकी टीम में जगह बना सकते, तो थोड़ा फोकस करिएगा। उसके बाद में जॉर्जिया वॉल की बात करें, अभी जो रिसेंट फॉर्म थी वो काफी बढ़िया थी, 4 मैच 103 रन करे थे, और विकेट इनके नाम सिर्फ एक था, मतलब गेंदबाजी बेस पे थोड़ा फीकी जरूर पड़ी, बट बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में अच्छा बैकअप मिलेगा। एक मैच 42 करे, एक मैच में 32 करे, और एक मैच में 29 करे, पिछले 3 मैच की फॉर्म इनकी जो इन्होंने अभी रिसेंटली खेले थे क्या T20 स्प्रिंग के मैचेस, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। कोलिन ट्राइन बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में अच्छा बैकअप, बल्लेबाजी की बात करो तो आई थिंक आपको 3rd या फिर 4th डाउन से नीचे बल्लेबाजी में दिख सकती है, ज्यादा ऊपर नहीं आएगी, ये ध्यान रखिए। पूरे 4 ओवर डाल सकती है, वो काबिलियत इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए टोटल सेफ ही ऑप्शन है, तो जरूर ट्राई करके चलिएगा। बाकी ओवरऑल अगर मैं बात करूं कोलिन ट्राइन के आंकड़ों की, WBBL के अंदर 35 मैच खेले, 538 रन से भाई 16 विकेट है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। ये जो आपको मैंने 4 प्लेयर बताया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट अब ऐसी प्लेयर आपको बताऊंगा जिसका सिलेक्शन कम है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट बनेगी। उसमें नाम सबसे पहले किसका क्या भाई, निकोल ग्रे, ठीक है, सिलेक्शन देखो मात्र 15% है, लेकिन वो प्लेयर जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर सकती है, मतलब ट्रम्प कार्ड में ट्राई करने के लिए बहुत अच्छा विकल्प है। और निकोल ग्रे का मैं सिलेक्शन बता दूं किस वजह से कम है, इनका सिलेक्शन सिर्फ इसी वजह से कम है क्योंकि भाई ये थोड़ा नीचे मेंशन है ऑलराउंडर सेक्शन में, ठीक है। अगर यही प्लेयर यहां पे नंबर 2 या फिर नंबर 3 पे मेंशन होती ना, मैं आपको श्योर बोल रहा हूं उसका सिलेक्शन भी आपको हाई दिखता, ठीक है। तो सिलेक्शन कम है इस वजह से, ये नहीं है कि भाई प्लेयर खराब हो सकती है। निकोल ग्रे टोटल गेम चेंजिंग प्लेयर आपके लिए बन सकती है। T20 स्प्रिंग बता दूं, 6 मैच में 129 रन इन्होंने करे थे, और वहां पे 6 विकेट इनके नाम थे, जहां एक मैच में 77 रन की भी पारी खेली थी। तो हल्के में मत लेना निकोल ग्रे को, 15% सेक्शन में बढ़िया ट्रम कार्ड ऑप्शन है। और इवन मैं तो सजेस्ट करूंगा, चाहो तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इनको टीम में रख रहा हूं भाई, क्योंकि गेंदबाजी प्रॉपर आपको डाल के देंगे, बल्लेबाजी में प्रॉपर आपको बैकअप मिलेगा, मैं तो टीम में रख रहा हूं फिलहाल। जॉर्जी एडम्स की बात करें, फिलहाल जो फॉर्म थी थोड़ा खराब थी, 3 मैच में 8 रन 1 विकेट था, तो फिलहाल मैं अवॉइड रख रहा हूं इनको। उसके बाद में कैथरीन ब्राइसे के चांस मेरे हिसाब से बनते हैं भाई टीम में खेलने के, क्योंकि एक ऐसी प्लेयर है जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों में बैकअप दे सकती है। 49 मैच है, 1273 रन है, और 37 के आसपास एवरेज है, 48 विकेट है, बट ये T20 इंटरनेशनल पे है। अगर खेलेगी तो भाई वुमेन्स BBL के अंदर ये आपको डेब्यू करते हुए दिख सकती है। स्कॉटलैंड की प्लेयर है, ये भी आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सैमी जो जॉनसन, ये भी एक ऐसे प्लेयर है जो प्रॉपर बल्लेबाजी गेंदबाजी दे सकती है, अगर टीम इनको मौका देना चाहे तो। थोड़ा फोकस करके चलिएगा सैमी जो जॉनसन के ऊपर, बढ़िया प्लेयर आपको मिलेगी। 4 मैच में 20 रन थे, 2 विकेट इनके नाम थे, तो थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी एक प्लेयर जिसका नाम है आर जॉनस्टन, ठीक है, अभी T20 स्प्रिंग में ना इस प्लेयर ने ना ओपन किया था भाई, ठीक है, ये भी मैं रखो होबार्ट अरिगेंस की टीम के लिए ओपन किया था, और ओपनिंग करते हुए जो फॉर्म इन्होंने दिखाई वो काफी बढ़िया दिखाई थी। और इनके आंकड़े बता दूं, 6 मैच ये खेली थी T20 स्प्रिंग में, 115 रन इन्होंने करे थे, और 5 विकेट भी वहां पे इन्होंने लिए थे, ठीक है, जिसमें एक मैच में 50 रन की भी पारी थी। तो ये टोटल आपके लिए गेम चेंजिंग प्लेयर बन सकती है अगर टीम इस मैच में इनको खिलाती है। तो मेरे हिसाब से ये देखो ओपनिंग में तो मुझे चांस थोड़े से कम ही दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास में ऑलरेडी लिजे ली या फिर डेनियल वॉइड जैसी प्लेयर्स हैं ओपन करने के लिए, वहां पे इनकी ओपनिंग तो मुझे भाई बनती हुई नहीं दिख रही। बाकी अगर खेलेंगे तो मिडल में आ सकते हैं, बस ये ध्यान रखिए, उसमें हो सकता है फिर टूर्नामेंट जैसी प्लेयर शायद आपको बाहर जाते हुए भी दिख सकते हैं। तो गेम चेंजिंग प्लेयर दोनों आपके लिए बन सकते हैं, थोड़ा फोकस करके चलिएगा। अभी मैं ये 5 प्लेयर बैक करके चल रहा हूँ ऑलराउंडर सेक्शन से, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में सबिने में स्मेल रहेंगे पूरे 4 ओवर, इवन आपको डेथ में गेंदबाजी देंगे, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, और विकेट टेकिंग गेंदबाज हो सकती है अगर पहले गेंदबाजी सिडनी थंडर वुमेन्स की टीम इस मैच में करने आती है। 43 मैच खेले, 38 विकेट है वुमेन्स BBL के अंदर। समानता बेट्स इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पिन गेंदबाज है, पूरे 4 ओवर डाल के जाएगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर बेट्स की मैं बात करूँगा दोस्तों, 3 मैच में 6 विकेट अभी इन्होंने रिसेंटली लिए थे, कहाँ पे भाई,
T20 स्प्रिंग के मैचेस में, ठीक है। अब इनके अलावा मैं बात करता हूँ, मोली स्टेनो सिलेक्शन 81% है, इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब ये अगर आपको बैक करने तो फिर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा यहाँ से किसको, जॉर्जिया वॉल को ड्रॉप करके रिस्क उठा लो, या तो आप लोग फिर यहाँ से मोली स्टेनो के साथ में जा सकते हो, क्योंकि जॉर्जिया वॉल सिर्फ बल्लेबाजी में बेहतर दे सकती है, गेंदबाजी में उनके पूरे ओवर करने के कोई चांस नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मोली स्टेनो की बात करेंगे, 5 मैच में 55 रन करे थे और 8 विकेट टीम के नाम थे, मतलब वॉरल के कंपेरिजन में एक ऐसी प्लेयर आपको मिल जाएगी जो एटलीस्ट पूरे 4 ओवर तो आपको दे ही सकती है, ठीक है। बेट्स अपने पास में सेफ आ जाएगी। अभी एक बारी बात करते हैं हाना डार्लिंगटन के बारे में, इनकी बात करूंगा दोस्त, ये भी ठीक ठाक प्लेयर है, 4 मैच 4 विकेट अभी इन्होंने रिसेंटली निकाले थे। और लिंसे स्मिथ की बात करूं तो 5 मैच में 4 विकेट इनके नाम थे। ये ऐसी प्लेयर है जिनका सिलेक्शन कम है, बट ये अच्छी प्लेयर है, ये मैं आपको जेनविनटी के साथ में बता रहा हूं। अब इनको छोड़ने का रीजन सिर्फ इतना है कि भाई देखो सिर्फ 11 ही प्लेयर हम लोग टीम में बैक कर सकते, एक्स्ट्रा प्लेयर तो हम लोग लेके चल नहीं सकते, तो अगर इनको टीम में बैक करेंगे तो बाकी कोई प्लेयर ड्रॉप करने पड़ेंगे, तो रीजन ये है कि ये प्लेयर यहां पे सिलेक्शन उतना ज्यादा नहीं लेके चल पा रहे हैं, बट ये अच्छे प्लेयर, और वो प्लेयर है जो पूरे 4-4 ओवर आपको गेंदबाजी दे सके, और ये विकेट टेकिंग गेंदबाज भी है, मैं आपको नॉर्मली बता दूं ये बात, ठीक है। सिलेक्शन कम है तो उस वजह से ये मत सोचिएगा कि भाई प्लेयर ये खराब है, काफी अच्छी प्लेयर से ध्यान रखना, ठीक है, आपको बता दिया। तो भाई आपको मैं एक्चुअल जो है ना वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दूंगा, आपको कभी मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला, ठीक है। विल्सन की बात करें तो चांस मुझे नहीं दिखते। उसके बाद में टी पैसल एक ऐसी प्लेयर है जो शायद यहां से खेलती हुई आपको दिख सकती है, 4 मैच में 3 विकेट इनके नाम थे। तो लिंसे स्मिथ यहां पे बढ़िया विकल्प आपको मिलेगी, हाना डार्लिंगटन आपके लिए बढ़िया विकल्प है, ठीक है। मैं फिलहाल बेट्स को रख रहा हूं, तो मेरी अब जो 11 प्लेयर की टीम है वो तो बनके क्रिएट हो चुकी है दोस्तों, जो कि मैं एक बारी आपको यहां से दिखा देता हूं। आप लोग देख पाओगे मेरी टीम में 11 प्लेयर आ चुके हैं, ठीक है। देखो क्रे का सिलेक्शन काफी कम है, बट ये मेरे अकॉर्डिंग बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो मैं इनको अपनी टीम में बैक करके चला हूं। सिलेक्शन इनका जरूर कम है, बट मैं भाई प्लेयर पर फोकस करता हूं, मैं सिलेक्शन पर फोकस नहीं करता, ठीक है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहो कर सकते हो, मैंने सभी प्लेयर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। ये फिलहाल मेरी 11 प्लेयर की टीम है, और चेंजेस वगैरह करूंगा तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, चमारी अट्टापट्टू इतर ग्राम बढ़िया विकल्प आपके लिए, यहाँ से भाई फोब लिचफील्ड मेरे हिसाब से बढ़िया विकल्प आपके लिए बन के जा सकती है, ठीक है। और यहाँ से बात करूँ लीजे ली, ये जो 4 प्लेयर है थोड़ा ज़्यादा फोकस करना सेफली अगर आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे जाना है तब। इनके अलावा यूनिक में किसके जाओगे, निकोल करे, यहाँ से भैया कोलिन ट्राइन आपके लिए अच्छा विकल्प है, यहाँ से नाइट को आप लोग ट्राई कर सकते हो, या फिर देखो बेट्स या फिर भैया मोली स्टेनो, इनमें से कोई एक प्लेयर गेंदबाजी बेस पे जो भी टीम पहले करती है, ठीक है। ये जो 4-5 प्लेयर मेंशन करिए ये आपके लिए डिफरेंशियल ऑप्शंस यानी कि ट्रम्प कार्ड ऑप्शंस होंगी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की। 4 प्लेयर जो आपको बताइए भाई ये आपके लिए सेफ ऑप्शंस होंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के। अब आप लोग सेफली जाओ, आप लोग डिफरेंशियली जाओ, चीजें आपके ऊपर डिपेंड करेगी, मैंने आपको सारे प्लेयर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, पसंद आए तो दोस्त वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियोस आपको मिस नहीं करने। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।